हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका कुकिंग स्टूडियो में। आज हम बनाएंगे गुड़ के बहुत ही ज्यादा टेस्टी और लाजवाब गुलगुले की रेसिपी। ये यूपी और बिहार की बहुत ही ज्यादा फेमस रेसिपी है और बहुत ही कम टाइम पर आप टेस्टी गुलगुले बनाकर तैयार कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप इस गुलगुले की रेसिपी को मैंने इस वीडियो में बनाकर दिखाया है, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए टेस्टी गुलगुले बनाना स्टार्ट करेंगे। गुलगुले का आटा लगाने के लिए सबसे पहले गुड़ का मीठा पानी बनाकर तैयार करेंगे। 400 ml पानी एक बर्तन में ले लेंगे। मैं 200 ग्राम गेहूं के आटे का गुलगुला बनाकर तैयार कर रही हूं। जब पानी अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसमें 200 ग्राम गुड़ ऐड कर देंगे और गुड़ को यहां पर अच्छे से पानी में लगातार चलाते हुए मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पर पानी में अच्छा सा उबाल आने तक गुड़ को 5 मिनट पानी के साथ पका लेंगे। ये देखिए, इसमें अच्छा सा उबाल आ चुका है। गुड़ को पानी के साथ 5 मिनट अच्छे से पका लिया है। गुड़ के इस मीठे पानी को ठंडा होने के लिए एक तरफ रख देंगे। जब गुड़ का पानी थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब एक बर्तन में 200 ग्राम आटा ले लेंगे। ये गेहूं का आटा है 200 ग्राम। इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून व्हाइट वाली अतीले, इससे जो गुलगुले का टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, तो इसे भी इसमें ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें सौंफ ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर भी ऐड करेंगे। 4 टेबल स्पून इसमें घिसा हुआ नारियल भी ऐड कर देंगे। सूखा नारियल है जिसे घिसकर तैयार कर लें। अब इसमें ऐड कर देंगे पानी जो हमने गुड़ का बनाकर तैयार किया था। एक छलनी से छान लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी छानकर ऐड करते जाएंगे और गुलगुले का आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। आपको एक साथ गुड़ का पानी यहाँ पर नहीं ऐड करना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे सारे नए वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। इस तरह से गुड़ का थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करते जाएंगे और इस तरह से गुड़ का बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना, इसे हाथों से अच्छे से फेंट लेंगे। गुड़ का पूरा पानी ऐड करके इसे अच्छे से आटे में मिक्स कर देना। ये देखिए, गुड़ और पानी जो था आटे में अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो इस तरह से अच्छे से मिक्स करके तैयार कर लेंगे। गुड़ का आटा अच्छे से सेट होने के बाद इसमें 1 चुटकी बेकिंग सोडा डाल देंगे। इससे जो गुलगुले हैं और भी ज़्यादा फूले फूले बनकर तैयार होंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। 10 मिनट बाद एक कढ़ाई में तेल को अच्छे से गर्म कर लिया। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए हाथों में थोड़ा सा पानी लगाकर गुलगुले को हम यहाँ पर फ्राई कर लेंगे। गुलगुले आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े बना सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद है। इस तरह से तेल में गुलगुले को फ्राई कर लेंगे। गुलगुले इस तरह से तेल में ऐड करने के बाद थोड़ी देर में तेल के ऊपर आ जाएंगे, तो इस तरह से हम इसे हल्के हाथों से चला देंगे। गुलगुले को मीडियम फ्लेम पर तब तक फ्राई कर लेंगे जब तक इसका कलर सुनहरा भूरा रंग का ना हो जाए। तो इस तरह से इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लेना है। गुलगुले को फ्राई करते हुए 4 मिनट हो चुके। ये देखिए, 4 मिनट में गुलगुले काफी अच्छे से सुनहरे रंग के हो चुके। इसे इस तरह से चला देंगे, चारों तरफ अच्छे से इन्हें फ्राई कर लेंगे। गुलगुले को 2-3 मिनट मीडियम फ्लेम पर और फ्राई करेंगे जिससे कि ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम टेस्टी हो जाए। तो इसी तरह से सारे गुलगुले फ्राई करके तैयार कर लिया है। ये देखिए, गुलगुला ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। तो आप भी इस तरह से गुड़ की टेस्टी और मीठी रेसिपी को बनाएं और बनाकर इंजॉय करें। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।